अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत देर से हमारा ये बज़्म चल रहा है, ये महफिल जो कि आलमी योम तर्जमा के हवाले से मुनाक़िद की गई है GILT की जानिब से हैदराबाद में। ये आलमी योम तर्जमा गुज़िश्ता 5 सालों से मुनाक़िद किया जा रहा है और इसमें हैदराबाद शहर और बल्कि पूरे हिंदुस्तान से जितने मुतरजमीन हैं उनको मुंतखब करके हमारे साथी मुअज़्ज़ज़ साथी डॉक्टर अबू मज़हर खाली सिद्दीकी हाफिज़ाहुल्लाह इस बज़्म में मुतरजमीन यानी आसमान के जो सितारे होते हैं तर्जमा निगारी में, उनको यहाँ इकट्ठा कर दिया है। मैं JILT की जानिब से और इसके तमाम मुतरजमीन जो इसमें काम करते हैं उन तमाम की जानिब से, डायरेक्टर साहब की जानिब से और ये पूरी फैमिली की जानिब से फर्दन फर्दन आप तमाम का तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस आज के महफिल की कुर्सी सदारत पर जलवा अफरोज़ अली जनाब नल्ला मल्ला रड्डी साहब, जो कि JILT की इस दावत को उन्होंने कबूल किया और आकर काफ़ी मालूमाती अपना खिताब और पूरे तजुर्बात को उन्होंने अपने सामने हमारे सामने पेश किया है। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर अबू मज़हर खाली सिद्दीकी के असातिज़ा इकराम, जिनकी वजह से ये बहुत तरक्की किए हैं। दरअसल ये मेरे हमारे बचपन के साथी और दोस्त हैं। माशाल्लाह हमारे साथी मौलाना अब्दुल गनी उमरी हाफिज़ाहुल्लाह ने जो कलिमात कहे हैं, अरबी में एक जुमला कहा जाता है, व्हाट्सएप में भी हमारे साथियों में जिस हुई तो मैंने कहा कि ये गैज़ुम मिन फ़ैज़िन है। अरबी में कहते हैं कि गैज़ुम मिन फ़ैज़, जो कुछ कहा गया वो बहुत कम है और बहुत कुछ कहा जाना चाहिए था, लेकिन माशाल्लाह ये हमारे वो साथी हैं जो जोहद मुसलसल से आगे बढ़े हैं और ये उन तमाम साथियों के लिए, उन तमाम तलबा के लिए नमूना है जो कि जोहद मुसलसल से अपनी मंजिलों को, अपनी कामयाब मंजिलों को पहुंचना चाहते हैं। तो मैं इनकी ज़िंदगी को, इन शख्सियत को जो हमारे साथी ने पेश किया है, उनका भी बिलखसूस अपने तमाम साथियों की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से जिन्होंने भी माशाल्लाह बहुत से यहाँ पर मैडम भी तशरीफ़ फरमा हैं और जनाब अरशद साहब भी हैं और बहुत सारे देश पर तशरीफ़ फरमा हैं, तो उन तमाम असातिज़ा इकराम का, मेरे साथी के उस्ताद मेरे भी उस्ताद हैं, आपके अखलाक भी से भी हम बहुत मुतासिर हुए। माशाल्लाह आप भी अपने तलबा को जिस अंदाज़ में मोटिवेट करते हैं, उस्ताद की रहनुमाई और उस्ताद की के मोटिवेशन से तलबा आसमान के सितारे बनते हैं। अगर डॉक्टर अबू मज़हर खाली सिद्दीकी आज अगर तर्जुमे के मैदान में अपना ऊंचा मकाम रखते हैं, तो जहां जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के सतजा का आपके पीछे हाथ है, वहीं पर आपके उस्ताद मोहतरम का भी हाथ है। हम उनका भी तहदिल से JILT की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं और मैं भी बिलखसूस आपके के लिए हद तशक्कुर पेश करता हूँ। तो सबसे आखिर में और सबसे पहले और आखिर में उस खालिक का कि हम शुक्रगुजार हैं जिसने हमको ज़बान दी, जिसने हमको अक़ल दिया, जिसने हमको इंसान बनाया और जिसने ये तमाम ताल्लुकात के लिए एक बेहतरीन ज़रिया ज़बान को बनाया। और यही ज़बान है जिसके ज़रिए से हम अपने तासरात एक दूसरे से शेयर करते हैं और यही ज़बान है जिसके तवस्सुत से आज हम तमाम यहाँ जमा हुए हैं और सारे मुतरजमीन इसी ज़बान, ये अल्लाह की एक निशानी है, इस निशानी का मज़हर हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। इसलिए हम सबसे अव्वल में और सबसे आखिर में भी शुक्र सिर्फ अल्लाह का बदल आते हैं और आप तमाम का शुक्रिया, मुझे भी जो मौका दिया गया इजहार ख्याल का, मैं भी JILT कंपनी का शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर एक बार आखिर में तमाम मंदूबीन का, तमाम शुरका का और तमाम हाजरीन का, असातिज़ा इकराम का, सबका तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बस शुक्रिया, इस प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ।